दोस्तों ये पोकेमॉन क्या खाता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट के एक्सप्लेन लेजेंडरी सीरीज में और आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी टाइटन का आखिरी मेंबर रेगिस्टील के बारे में। दोस्तों फिर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों रेगिस्टील एक स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको कि जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका कोई भी इवोल्यूशन फॉर्म नहीं है। ये पोकेमॉन लेजेंडरी टाइटंस का आखिरी मेंबर है। ये पोकेमॉन का नाम दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, पहला रेगिस और दूसरा स्टील। यहाँ रेगिस का मतलब लैटिन में रॉयल होता है और स्टील यानी लोहे से बना हुआ। रेगिस स्टील को गोलम के ऊपर बेस करके बनाया गया है। गोलम नॉर्मली पत्थर से बने हुए होते हैं जो कि हिब्रू मैथोलॉजी के क्रिएचर्स हैं। ये क्रिएचर्स के बारे में ये बोला जाता है कि इसके सर पे कुछ लिखा हुआ होता है, अगर वो मिट गया तो इसका मतलब ये होता है कि उसका पावर कमजोर हो चुका है। ये पोकेमॉन का आधा बॉडी गोल के आकार में है और इसका कलर ग्रे होता है। इसके फेस में 7 रेड डॉट्स हैं जिसमें 6 डॉट्स एक सर्कल के आकार में बने हुए होते हैं और एक डॉट वो सर्कल के अंदर होता है। इसके दो हाथ हैं जिसमें 3-3 उंगलियां हैं। इसके पैर भी मोटे पाइप जैसे गोल आकार में है। जैसा कि दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि रेगिस्टील एक स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसकी वजह से इसका बॉडी ऐसे मेटल से बना हुआ है जो कि सभी मेटल से हार्ड है। ये मटेरियल हार्ड होने के बाद भी ये आसानी से घिंच जाता है। ये माना जाता है कि प्राचीन समय में लोग ये पोकेमॉन को कैदी बना के रखे थे। साथ में ये भी कहा जाता है कि ये पोकेमॉन में जो मटेरियल पाया जाता है वो इस पृथ्वी का बिल्कुल भी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका बॉडी का मटेरियल एक मिस्ट्रियस मेटल है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि ये मेटल हार्ड होने के बावजूद भी आसानी से फैल सकता है और साथ में आसानी से गींज भी जाता है। रेगिस्टील का बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेच प्रूफ बॉडी है। दोस्तों ये पोकेमॉन का सबसे पहला डिब्यूट लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में हुआ था रेगिरॉक और रेगिगाइस के साथ। इस मूवी में रेगिरॉक, रेगिगाइस और रेगिस्टील ट्री ऑफ बीनिंग के गार्डियंस थे और रेगिस्टील सबसे पहले टीम रॉकेट के ऊपर हमला किया था। और दोस्तों इसके बाद वो ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर भी हमला करने का कोशिश किया था इस मूवी में, लेकिन एंडिंग में रेगिरॉक, रेगिगाइस और रेगिस्टील को ये रियलाइज हो जाता है कि ये ग्रुप यानी ऐश और उसके फ्रेंड्स उनके लिए डेंजर नहीं है। इसके बाद रेगिस्टील का डेब्यूट एडवांस जनरेशन सीरीज के एपिसोड 186 में भी हुआ था जिसका नाम आवर जॉयड था। रेगिस्टील का एक कैमियो एपीयरेंस भी हुआ था द राइज ऑफ डार्करे के मूवी में। तो दोस्तों यही था लेजेंडरी पोकेमॉन रेगिस्टील के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।